रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ आलमंड मिल्क, और ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसके सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और पीने में ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और जायके में भी बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये एक कप बादाम है, इन्हें मैंने भिगो लिया था, भिगो के इनके मैंने छिलके उतार लिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी एक खाने का चम्मच खसखस। अब इसमें मैं डाल दूंगी दो गिलास पानी। और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लूंगी। बादामों को मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिए और अब मैं इनको छान लूंगी, और ये जो आलमंड मिल्क है ये अलहदा कर लूंगी और बादामों का जो मतलब कि आप किसी भी जग वगैरह में या किसी बॉटल में किसी बाउल में इसको जो आलमंड मिल्क है इसको निकाल सकते हैं। ये मैंने जो चीज क्लॉथ है, चीज क्लॉथ मैंने बॉटल में लगा दी है। ये मलमल का कपड़ा अगर आपके पास हो तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरह शेक कर लूंगी, हिला लूंगी और फिर मैं छान लूंगी। इसको मैं थोड़ा सा डीप और कपड़े पे भर लूंगी ताकि ये जल्दी से ये जो आलमंड मिल्क है ये हमारा तैयार हो जाए। चम्मच के साथ या हाथों के साथ आप इसको दबा के तो अच्छी तरह जो इसका आलमंड मिल्क है वो निकाल लें। अब मैं आलमंड मिल्क ग्लास में निकाल लूंगी। आप बच्चों को लाजमी बना के दें, बड़ों को बना के दें, ये पीने में भी मजेदार लगेगा और ये सेहत के लिए तो बहुत ही। अगर आप आलमंड मिल्क ऐसे भी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मीठा करना चाह रहे हैं तो आप इसमें चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा आप इसको सेहत के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस। आलमंड मिल्क बिल्कुल तैयार हो चुका है और चीज़ों में इस्तेमाल इसको करवा सकते हैं। फ्रेंच टोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑमलेट बनाएं उसमें डाल सकते हैं। आप इनको वेस्ट ना करें, ये स्किन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आलमंड मिल्क तो तैयार हो चुका है, तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।